छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते आज की हेडलाइंस। राजीव युवा मितान सम्मेलन में शामिल हुए राहुल गांधी। संभाग स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का हुआ आगाज। पंजाबी सनातन धर्म सभा एवं पंजाबी सनातन महिला सत्संग समिति द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने किया 296 स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों को सेवा से बरखास्त। अब खबरें विस्तार से। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर शामिल हुए राहुल गांधी का आभार माना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा के प्रणेता जनप्रिय नेता राहुल गांधी ने भारत में बदलाव के उद्देश्य से 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर भाजपा की लोकतांत्रिक विरोधी पार्टी को उखाड़ फेंकने व भारत में परिवर्तन के लिए इस भारत में आपसी भाईचारे व मोहब्बत का संदेश दिया, जिसके लिए मैं राहुल गांधी का धन्यवाद देता हूँ। आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रत्येक वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हुए कार्य किया, युवाओं के लिए बेहतर रोजगार का अवसर प्रदान किया। इस अवसर पर दीपक बैज ने कहा कि रमन सरकार में नंदराज पहाड़ पर खदान की लीज अंडानी को मिली थी। आदिवासियों के विरोध पर जब जांच करवाई गई तो ग्राम सभा नियम विरुद्ध पाई गई, लेकिन आज भी अडानी की लीज निरस्त नहीं हुई। आदरणीय साथियों, आज इस छत्तीसगढ़ के धरती पर बहुत सौभाग्य है, सौभाग्यशाली है हम युवाओं के बीच में युवाओं को संबोधन करने के लिए हमारे देश के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी उपस्थित हैं। आदरणीय साथियों, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को, जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3500 किलोमीटर देश के बदलाव के लिए, देश के परिवर्तन के लिए और देश के केंद्र सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए उन्होंने एक पैदल यात्रा निकालकर देश को संदेश दिया। आदरणीय साथियों, आज देश बंटवारा की ओर है, आज देश आग की लपेटों में है, उसको अगर शांत करना है तो निश्चित रूप से माननीय राहुल गांधी जी ने एक शांति का संदेश पैगाम लेकर देश के आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहुंचे। आदरणीय साथियों, ये युवा सम्मेलन आज माननीय राहुल गांधी जी, ये युवा सम्मेलन सरकार और जनता के बीच की कड़ी है, जो सरकार की योजनाओं को लेकर जनता तक जाते हैं और जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को जानकारी देना, उनको लागू करवाना, उनको मदद करना, सुख दुख में साथ देना, ये युवा मितान के सम्मेलन में हमारे कार्यकर्ता ये तन मन धन से लगे हुए। आदरणीय साथियों, मैं माननीय राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में इस 4.5 साल के 4.5 साल की सरकार में बेहतर काम हुआ है आपके निर्देशन में, और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बस्तर से लेकर सरगुजा तक हर एक योजना, हर एक वर्ग, हर एक समाज के लिए जनहितकारी योजनाएं लागू की। जिला जूडो संघ ऑफ बस्तर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जूडो प्रतियोगिता का आरंभ बस्तर संभाग से इस 11वीं इंटर स्कूल जूडो प्रतियोगिता में करीब 250 जूडो खिलाड़ी व 25 अधिकारी कांगेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जूडो संघ के पदाधिकारी ने बताया, विगत कई वर्षों से निरंतर जूडो प्रतियोगिता का आयोजन जूडो संघ द्वारा संभाग मुख्यालय जगदलपुर में प्रतिस्पर्धा का आयोजन कर खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने, जिले के खिलाड़ियों को निखारने व गलत गतिविधियों से दूर रखने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता रहा है। बस्तर संभाग के कोने कोने से जूडो खिलाड़ी भाग लेकर अपनी जगह बनाकर राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेकर बस्तर का नाम रोशन कर रहे हैं। 2 दिवसीय जूडो प्रतियोगिता में भाग लेने 10 वर्ष से कम सब जूनियर, जूनियर व सीनियर बालक बालिका वर्ग की प्रतियोगिता होगी। प्रतिस्पर्धा घमासान होगी। उठा पटक लॉक चेक के साथ खिलाड़ी प्रथम आकर अपनी जगह आगामी होने वाली राज्य स्तरीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता के लिए बनाएंगे। मैं
सात साल से जूडो खेल रहा हूँ और मैं चार बार नेशनल खेल चुका हूँ, उसमें मेरा इंडिया हो चुका है, उसमें मेरा पोजीशन टॉप 10 में आ चुका है। और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है कैंडर हो रहा है इंटर स्कूल, उसमें मैं अभी रेफरी हूँ। कैसा लगता है आप लोग ये खेल? सब तो सर के आशीर्वाद से करते हैं, जो जो बचपन से चालू किए हैं, ये हमें मुझे अच्छा लगता है जूडो खेलना, जो मेरा पहला मतलब लव स्पोर्ट्स है वो जूडो ही है। वीर सावरकर भवन में दो दिवसीय आयोजन देखा गया है जिसमें लगभग खिलाड़ी 250 आए हुए हैं, जिसमें से सुकमा भानु प्रताप हो प्लस दंतेवाड़ा सुकमा प्लस जगदलपुर, ये चार पांच जगहों से खिलाड़ी जिलों से आए हुए हैं। इन्होंने यहाँ पर रुकने की व्यवस्था खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था किया गया है, एक प्रयास है जिसमें ताकि हमारे बस्तर से बाहर की कोई भी खिलाड़ी अगर बाहर जाना चाहते हैं तो अच्छे से अपना प्रदर्शन करें, कम से कम बस्तर की मेडल हो मिला। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पंजाबी सनातन धर्म सभा एवं पंजाबी सनातन महिला सत्संग समिति द्वारा शुक्रवार 1 सितंबर से 8 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पंजाब भवन में किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में 1 सितंबर को पंजाब सनातन महिला सत्संग समिति द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा गीता भवन से होकर संजय बाजार, पनामा चौक, अग्रेशन चौक से पंजाब भवन पहुंची। हम आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 7 सितंबर को समिति द्वारा सांस्कृतिक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में बच्चों के लिए पूजा थाली सजाओ, चित्रकला और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता शामिल है। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के शुभारंभ अवसर पर निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे। जन्माष्टमी के उत्सव पर हर साल भागवत की कथा कराई जाती है और ये हमारा 29वां साल है भागवत कथा। हमारा उद्देश्य है कि धार्मिक कार्यक्रम होने चाहिए और प्रभु से बस्तर के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और कल कलश यात्रा हुई जो गीता भवन से यहाँ पंजाब भवन तक आई। 6 तारीख को शोभा यात्रा गीता भवन से चलकर और मुख्य मार्गों से होते हुए माई दंतेश्वरी के दर्शन करने के बाद पश्चात पंजाब भवन में होगी। मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि वो आए और पंजाब भवन में भागवत की कथा आनंद लें, जो समय 3 बजे से 7 बजे तक कर। कथा वाचन कौन कर रहे हैं? हाँ जी, कथा वाचन किनके द्वारा हो रहा है? कथा वाचन माँ गुरु माँ श्रीमती गुरु माँ श्री श्री ध्यान मूर्ति जी महाराज जी वृंदावन से पधारे हुए हैं, उनके मुखारविंद से कथा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विजय दयाराम के द्वारा हड़ताल में गए 296 स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के तहत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में अनाधिकृत रूप से निरंतर 21 अगस्त 2023 से हड़ताल में है। इस कारण से लोकहित नागरिक सेवाएं तथा शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को असुविधाएं हो रही है। जिन सेवाओं के विषय में एस्मा छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संसाधन तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 एवं 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं सूचना उपरांत भी कर्मचारियों द्वारा उपस्थित नहीं होने पर एस्मा अंतर्गत कार्रवाई किए जाने हेतु 2 सूचना के माध्यम से सूचित किया गया है। सक्षम जिला अध्यक्ष ग्राम सरगीपाल के द्वारा बताया गया कि ग्राम सरगीपाल में पिछले 3 वर्षों से
सरपंच द्वारा किए जा रहे कार्यों की शिकायत प्रशासन से की गई, परंतु आज तक किसी प्रकार की जांच व कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई है। इस वजह से सरपंच का मनोबल इतना बढ़ गया कि ग्राम के निर्माण कार्यों व सुरक्षा को ताक में रखकर कार्य कर रही है। नाली निर्माण कार्य व वन भूमि को बिना ग्राम सभा के ट्रांसपोर्ट नगर को दे दिया गया। इसके पूर्व भी सरपंच द्वारा नाबालिग बच्चों से कूली भूति का कार्य करवाए जाने की शिकायत फोटो व वीडियो के साथ बाल श्रम विभाग को सौंपा गया था, जिस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब ग्रामवासियों ने वन भूमि आवंटन का विरोध किया तो 31 अगस्त को सक्षम के जिला सचिव व ग्राम सरगीपाल के निवासी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है कि वह सरकारी कामों में हस्तक्षेप करते हैं और व्यवधान उत्पन्न करते हैं। ग्रामवासियों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और सरपंच की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की गई, जिस पर ग्रामवासियों ने कहा कि 4 सितंबर तक सरपंच के सभी कार्यों की जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो 5 सितंबर को बोधघाट थाना का अनिश्चितकालीन घेराव सक्षम सरगीपाल ग्राम समिति द्वारा किया जाएगा। हम लोग आज सरपंच के कार्यों के खिलाफ उसके ऊपर FIR दर्ज कराने के लिए हम लोग गाँववासी आए बोधघाट थाना। जितने भी कुछ भी कार्य आया हुआ, जैसा नाली का कुछ भी, उसमें किसी में हम लोग विविधा उत्पन्न नहीं किए। इस बार हमारे जो ग्राम मंदिर जो है, ग्राम देवी जलनेगुड़ी जो माता है और ग्राम देवी है, उनके कार्य के लिए मरम्मत के लिए कुछ पैसा आया हुआ था, स्वीकृत आया हुआ था। उसमें हम लोग ने कोतवाल से मुनादी करवाया, सब गाँव वाले को बुलवाया गया और पंचायत में एक जगह बैठी ग्राम सभा के थ्रू से उसमें सरपंच को बुलाया गया और उसमें ये बोला गया कि जो भी पैसा आया हुआ है, जैसा भी है, अगर उसको अच्छा से करना है अपने को, क्योंकि हमारा माता मंदिर है और उसको अच्छे प्रकार से करना पड़ेगा अपने को, और कम ज़्यादा होगा उसमें गाँव वाले भी पैसा डालेंगे। इस प्रकार से बात हुआ तो सरपंच बोली थी कि हाँ हम लोग वैसे ही करेंगे, अभी काम को रोक देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वो 2-4 दिन के बाद वो अपने से काम स्टार्ट करने लग गई, फिर उसके बाद गांव वाले भी चुपचाप हो गए, कुछ नहीं बोले। अभी दो महीना हो गया बन के, पर अभी क्या हो रहा है, हम लोग कुछ चीज़ को उसके लिए हम आवेदन दिए हैं, जो कि अच्छा चीज़ है, ट्रांसपोर्ट नगर जो है, हम लोग उसके लिए आवेदन दिए हैं। करोड़ों रुपए की शासकीय राशि का छल पूर्वक गबन करने वाला मत्स्य विभाग के कर्मचारी को कोंडागांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑनलाइन ट्रेडिंग की लत के कारण आरोपी ने किया शासकीय रकम का गबन। आरोपी के द्वारा सहायक संचालक कोंडागांव व नारायणपुर के शासकीय खातों से ऑनलाइन ट्रेडिंग में आरोपी ने गबन की गई करोड़ों रुपए राशि गवाए। सहायक संचालक मछली पालन कार्यालय कोंडागांव ने संजय गढ़पाले सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ था, जिसके पास सहायक संचालक मछली पालन कार्यालय नारायणपुर का अतिरिक्त प्रभार था। संजय गढ़पाले दोनों कार्यालय में अकाउंटेंट का कार्य करता था। इसके द्वारा अपनी पदस्थापना के दौरान वर्ष 2022 से 2023 के मध्य सहायक संचालक मछली पालन कोंडागांव के शासकीय खाते से करीबन 43,74,794 रुपए व सहायक संचालक मछली पालन नारायणपुर के खाते से 81,84,200 रुपए, कुल रकम 1,25,58,994 रुपए आरोपी संजय गढ़पाले से पूछताछ पर अपना जुर्म कबूल किया। मामला मत्स्य विभाग का है, संजय गढ़पाले नाम का व्यक्ति है जो कि मत्स्य विभाग में सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ है और नारायणपुर में जहाँ इसकी पदस्थापना है, कोंडागांव सहायक संचालक मत्स्य विभाग में इसको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। 2022 से 2023 तक लगभग एक वर्ष में इसने मत्स्य विभाग में 1,25,00,000 रुपए, जो शासकीय पैसा है, उसको अनधिकृत रूप से अपने खाते में ट्रांसफर किया है, जिसमें मत्स्य विभाग की जांच की गई और थाने में इनके आवेदन पर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। पूरे पैसे इसने ऑनलाइन ट्रेडिंग में अपने पैसे गंवा दिए हैं। इसको सट्टे ये ट्रेडिंग की लत थी और ये पैसा थोड़ा थोड़ा करके ये पैसा निकालता गया, सरकारी पैसा, और अपने खाते में डालता गया और ट्रेडिंग में इसको ये उम्मीद थी कि ये पैसा जीत जाएगा तो फिर पुराने पैसे रिकवर कर देगा। ऐसा करते करते ये पूरा पैसा अपना नुकसान कर लिया और शासकीय पैसे का इसने वो किया, गबन किया। बेमेतरा की पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से हुई सम्मानित। सरगुजा व सूरजपुर में पुलिस अधीक्षक पद स्थापना के दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हिम्मत प्रोग्राम चलाया था।
जिसके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के साथ साथ उन्हें हिम्मत भी पैदा करना ताकि वह अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सके। इसको लेकर उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया था जिसके तहत आदिवासी क्षेत्र की लगभग 2000 से अधिक लड़कियों को प्रशिक्षण भी किया गया। इसी के उत्कृष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुए 40 Under 40 IPS अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, जो हर साल दुनिया भर में पुलिस सेवा देने वाले कुछ हटकर कार्य करते हैं, ऐसे विश्व के 40 सर्वश्रेष्ठ IPS को यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें बेमेतरा की पदस्थ पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला IPS है। इसके पूर्व ISCP का अवार्ड IPS आरिफ शेख व संतोष सिंह को भी मिल चुका है। इसके साथ ही बेमेतरा में प्रस्तावना पर उन्होंने समाधान हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिसके माध्यम से कोई भी अपने शिकायत आसानी से उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं और भेजने वाले के नाम को गोपनीय भी रखने के निर्देश दिए गए हैं और इसको लेकर लोगों में भी अच्छा उत्साह देखा जा रहा है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस ISCP एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड ओवर जो पुलिसिंग एफर्ट्स हैं जिन्होंने अच्छा किया है ऐसे लीडर्स को चूज़ करती है। 40 लीडर्स को एनुअली वो लोग चूज़ करते हैं, तो उसी क्रम में इस बार जो सरगुजा और सूरजपुर पुलिस अधीक्षक रहते हुए जो कार्यक्रम किए उसके रिकग्निशन में इसमें हमको इस बार चयनित किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस में हमसे पहले श्री आरिफ शेख सर और श्री संतोष सर को निजात कार्यक्रम के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया है और कहीं ना कहीं वहीं से हमें भी उसकी इंस्पिरेशन आती है। इसी के साथ में जो हमारे राज्य शासन ने हमर बेटी हमर मान कार्यक्रम के हमको निर्देश दिए थे, हमारे IG सर अजय यादव सर, उनका कंटिन्यूस मार्गदर्शन रहा, जिनके नेतृत्व में कुछ इनिशिएटिव्स जैसे हिम्मत कार्यक्रम, रक्षक कार्यक्रम पुलिस के द्वारा चलाया गया और उसी का ये एक पॉजिटिव नतीजा है कि आज इस अवार्ड को मिलने में सफलता प्राप्त हुई। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।